हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम लेके आए कोर सब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर हम सबसे पहले बेनिफिट और कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले होता है कि जितने भी कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में उसका क्रेडिट सबसे हाई रहता है। क्रेडिट हाई रहने का मतलब ये है कि आपको उसमें अगर अच्छे से आता है और एग्जाम में आपको अच्छे मार्क आते हैं उसके हिसाब से आपके SPI अच्छे आएंगे। SPI अच्छे आते हैं आपके CPI अच्छे होंगे और CPI के हिसाब से आपका CGPA अच्छा बनता है। आपको प्लेसमेंट की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि अगर आपके 7 और 8+ CGPA होते हैं तो आपको हर एक कंपनी में बैठने का ऑप्शन मिलेगा। और दूसरी बात, एक और बात है कि अगर आपको गेट एग्जाम देनी है, अगर आपको मास्टर करना है, जितने भी गेट एग्जाम के सब्जेक्ट्स रहते हैं वो जितने भी कोर सब्जेक्ट्स रहते हैं वही होते हैं। आपके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं कोर सब्जेक्ट्स में, अच्छी ग्रिप्स है। अगर हम सबसे पहले सब्जेक्ट्स की लिस्ट निकाले इसमें कैलकुलस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर एंड मेजरमेंट, और आता है ICT टूल्स एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दे रखी है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है कि कौन से सेमेस्टर 1 में आएंगे, कौन से सेमेस्टर 2 में आएंगे, बट ये सारे कोर सब्जेक्ट्स है तो आपको पढ़ाई में आएंगे ही आएंगे। और इस पर काफ़ी अच्छे ग्रिप बना के चलिए तो आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा प्लेसमेंट के ऊपर। दूसरे सब्जेक्ट्स पे लिस्ट पे आते हैं तो वो है DC मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, रोबोटिक्स, AC मशीन्स, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, फिर आता है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड डिटेक्शन सिस्टम। यहाँ पे जो माइक्रो प्रोसेसर का चैप्टर है, माइक्रो प्रोसेसर का जो सब्जेक्ट है वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर आते हैं तीसरी लिस्ट पे, वो है डिजिटल सिस्टम प्रोसेसर्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम, एनवायरमेंट एंड एनर्जी स्टडीज, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस, थर्मल एंड हाइड्रोलिक प्राइम मूवर्स। ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। फिर आता है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, और आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स। इसके अलावा भी काफ़ी 3-4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किए हैं, वो है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स किसे कहते हैं? जैसे ही आप तीसरे और चौथे ईयर में आपके इंजीनियरिंग में आते हो वहाँ पे आपके कॉलेज आपको 3-4 कोर्सेज ऑफर करते हैं, उसमें से आपका सिलेक्शन करना रहता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। यहाँ पे आप ऐसा सिलेक्शन कीजिएगा कि जो आपको फ्यूचर में आपका जॉब रोल्स हो। फिर आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप जितना अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो उतना अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई कीजिएगा तो आपको काफ़ी फर्क पड़ेगा प्लेसमेंट पे। और लास्ट में आता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये भी काफ़ी सारी कॉलेज ऑफर करती है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं वो आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। काफ़ी सारे कॉलेज में ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट्स कभी पहले आते हैं और कभी बाद में, यानी कि सेमेस्टर 5th के सब्जेक्ट सेमेस्टर 3 में भी आ सकते हैं और सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट सेमेस्टर 5th में भी आ सकते हैं। और क्रेडिट भी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्रेडिट चेंज होता है या फिर सेम रहता है। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुलाइए, आप वहाँ पर अपने कमेंट करके डाल लीजिएगा। Thank you guys for watching this video. If you like my video, then hit that like button. And if you have any doubt, then ask me in the comment section. Share this video with your friend. And if you did not subscribe my channel, then please subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification.